हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिटरेरी क्वेश्चन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ समरी ऑफ स्टूडेंट मॉब्स दैट इज रिटन बाय जेबी प्रिस्ले। फुल नेम जॉन बॉइंटन प्रिस्ले। फुल नेम लर्न कर लेना है, एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। सो मॉब क्या होता है? एग्रेसिव ग्रुप ऑफ पीपल। जिस प्रकार से क्राउड होता है, लोगों की भीड़, इसी प्रकार से मॉब होता है। मॉब जो होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन ये एग्रेसिव होते हैं, उपद्रवी होते हैं, वायलेंस उत्पन्न करते हैं। सो ये काफी अच्छा वर्क है प्रिस्ले का, हर स्टूडेंट्स को इस वर्क को पढ़ना चाहिए। देखिए, इस एस्से में हमें प्रिस्ले बताते हैं कि किस प्रकार से एक स्टूडेंट्स की लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट्स ही कल हमारे राष्ट्र का निर्माण करेगा। स्टूडेंट्स हमारे नेशन के बैकबोन्स होते हैं। एमएलएका ने कहा था, द वर्ल्ड ऑफ टुमारो विल बी बॉर्न फ्रॉम स्कूल्स ऑफ टूडे। यानी जो कल का हमारा समाज होगा, कल का संसार होगा, वो आज के स्कूल्स पर डिपेंड करेगा किस प्रकार से उसे शिक्षाएं मिल रही हैं। किसी राष्ट्र के प्रोग्रेस या पीस के लिए एक अच्छा सिटीजन तैयार करने में कॉलेज या यूनिवर्सिटीज का अहम रोल होता है। लेकिन इन सारी पहलुओं को दरकिनार करते हुए आज के स्टूडेंट्स जो हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एथिस्ट को किसी स्टूडेंट्स के प्रति कोई प्रेजुडिस नहीं है, ना तो वो अपमानित करना चाहता है। आजकल के स्टूडेंट्स के भांति एथिस्ट ने कभी भी किसी डेमोन्स्ट्रेशन या फिर प्रोसेशन में भाग नहीं लिया था, जिस प्रकार से आज के स्टूडेंट्स करते हैं। दोस्तों, स्टूडेंट्स का काम होता है स्टडी करना, लेकिन प्रिस्ले को ये बात समझ नहीं आ रही कि आजकल के स्टूडेंट्स खुद को इन सारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में क्यों शामिल करते हैं। यदि वह स्टूपिड लोगों की कैटेगरी में आते हैं तो उन्हें बोरिया बिस्तर बांधकर घर भेज देना चाहिए, अर्थात उन्हें आगे की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। वह अपना टाइम, पेरेंट्स का पैसा तो बर्बाद करते ही करते हैं, साथ में यूनिवर्सिटी कॉलेज का माहौल भी खराब करते हैं और दूसरे बच्चों को भी थोड़ा बिगाड़ देते हैं। तो उनको आगे की स्टडीज के लिए नहीं भेजना चाहिए। और यह स्टूडेंट्स का पर्पज पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, तो उन्हें हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहिए, मीन्स उसको स्टडी करवानी चाहिए। फिर इसके बाद प्रिस्ले एक पैथेटिक फार्मर की कहानी बताता है कि एक किसान जिसके पास अच्छे से खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं होता, वो किसी भी तरीके से अपने बेटे बेटियों को कॉलेज या यूनिवर्सिटीज भेजता है ताकि वे अच्छी शिक्षा ले सकें, एक अच्छे नागरिक बन सकें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। पर अनफॉर्चुनेटली वह स्टूडेंट्स अच्छी शिक्षा लेने के बजाय जुलूसों, पोस्टर्स, बैनर्स, स्लोगन्स और कई सारी स्टूपिड एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। प्रिस्ले आगे कहते हैं कि वह दुखी है ये सब देखकर कि किस प्रकार से स्टूडेंट्स विंडोज तोड़ रहे हैं, कार्स को डैमेज कर रहे हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के फर्नीचर या बुक्स को जला रहे हैं, बच्चों व औरतों को डरा रहे हैं, और तो और वह इंटरनेशनल लॉ और कस्टम्स को भी वायलेट कर रहे हैं। और ये सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है जब सरकार इसको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती। केवल गवर्नमेंट ही नहीं, हमारी मीडिया भी इसमें आगे है, क्योंकि वह इन स्टूपिड स्टूडेंट्स को कभी भी टीवी पर शो नहीं करते। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन करने में आनंद मिलता है, उन जैसे स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्शन करने में आनंद मिलता है। ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस से बिलोंग ही नहीं करते, यानी वह ह्यूमन है ही नहीं। कई कारण हो सकते हैं इसके, बैड होम्स हो सकता है, इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई बुरा संगत हो सकता है। आगे पिछले मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि ये लोग ऑनर्स में डिग्री जरूर लेंगे, यानी पास आउट होकर निकलेंगे यहां से, लेकिन किन चीजों में? विंडोज तोड़ने में, कार या फर्नीचर जलाने में, या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने में। और ये लोग हमेशा आगे रहेंगे, किन चीजों में हमेशा फर्स्ट रहेंगे? गुंडेबाजी में, लेकिन ये आर्ट, साइंस, मेडिसिन आदि चीजों में वीक रहेंगे। इस प्रकार के डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले स्टूडेंट्स को समाज के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के द्वारा कंडेम करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए और उन्हें सम्मान नहीं देना चाहिए। और यदि ऐसे ही निगेटिव एक्टिविटी वाले लोग समाज में रहे तो हम एक अच्छे सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते, ना ही हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। आगे पिछले कहते हैं कि आज कुछ स्टूडेंट्स क्रिएशन के बजाय डिस्ट्रक्शन की इच्छा रखते हैं, और इनकी स्टूपिड बिहेवियर को रोकने के लिए पेरेंट्स को, गवर्नमेंट्स को उचित कदम उठाना होगा, इनकी इच्छाओं को दबाना होगा। एंड दिस शुड बी गाइडेड प्रॉपरली बाय रिस्पॉन्सिबल वंस। अब इस एस्से में आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, लेकिन आपकी इसकी समरी लर्न कर लेनी है और जेबी प्रिस्ले एज एन एसेज लर्न कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिस्ले एज एन एसेज पूछा जाता है। सो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो।